So can you please tell me what is the item, sir? This is a wandu. Okay. Rice flour and sugar. Rice flour and sugar. Okay. Okay. This is we are calling kavupi vade. Kavupi vade. Yes. Okay. 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 This is made of dal and. Yes. Okay. This is patties. Mm-hmm. That's inside the mixer potatoes. Okay. Okay. This is a dal. Dal vade. Dal vade. Okay. Okay. Dal vade is available in India also. This is coconut roti. Coconut roti. Okay. Yes. Okay. Coconut and rice flour, and we are using carrot and something. Oh, carrot and you put some carrots. Okay. Okay. This is halapa. Halapa. Okay. Halapa. This is a Sri Lankan food. Traditional products. Okay. Traditional. Sweets. Traditional sweet. Okay. More of food. This is providing India. India. This is a polos cutler. We are calling polos jackfruit. You know jackfruit. Jackfruit. Yeah. Yes. Oh, that's why it's threads and all. Yeah. Okay. That's why I'm wondering. Okay. 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 This is a pittu, coconut and rice flour. Coconut and rice? Rice flour. Rice pulao. Yeah. Okay. You make a roll of. Yes. Okay. 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 String hoppers. This is a string hoppers. I think you also. Oh. Listen. Yeah, that's a. There is. Good. Good. Thanks. Thanks. Yeah. Thanks. This is roti. Roti or onion chutney? Onion chutney or ye? Halapa. हम लोग कैंडी पहुंच गए थे. सो कैंडी में हमने अराउंड 12:30 चेक इन किया, फिर थोड़ा रेस्ट किया एंड 4:00 के करीब हम लोग बाहर आए. और कैंडी इज़ बेसिकली द कल्चरल कैपिटल ऑफ श्रीलंका. सो यहाँ पे एक शो होता है जिसमें काफ़ी सारे अलग अलग फॉर्म्स के डांस होते हैं, तो वो हमारा 5:00 के करीब शो है. सो इससे पहले मैं आपको कैंडी का एक बार व्यू दिखाना चाहती हूँ. इट्स रियली नाइस. सो श्रीलंका एक आइलैंड है, चारों तरफ से वो सी से घिरा हुआ है. बट श्रीलंका में हर टाइप का लैंडस्केप मिल जाएगा. सो हिल्स हैं, देन आपके पास प्लेन्स भी हैं, वहाँ पे बीचेस भी हैं, जस्ट लाइक इंडिया. सो ये श्रीलंका की कैंडी लेक है, जिस क्वाइट नाइस, काफ़ी बड़ी है. द व्यू इज़ वेरी नाइस. सो अभी मैं बेसिकली कैंडियन कल्चरल सेंटर के बाहर खड़ी हूँ. सो हमारी 5:00 का शो है. सो यहाँ पे 11 फॉर्म्स ऑफ डांस होते हैं, तो मैं आपको प्रॉपर पूरा उनका कार्ड दिखाऊंगी जिसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कौन कौन से डांस फॉर्म्स हैं. तो 5 to 6 हम लोग वो डांस शो देखेंगे एंड देन 6:00 के बाद हम लोग जो कैंडी लेक है उसके पास वॉक करेंगे. Thank you.
डांस वॉज रियली अमेजिंग. मैंने क्लिप्स भी दिखाई आपको, काफ़ी सारे फॉर्म्स ऑफ डांस थे. लाइक वन आवर काफ़ी अच्छा था. रितिशा जो वो मास्क वाले डांस थे जिसमें कोई मास्क पहन के डांस कर रहा था, उनसे बहुत डर रही थी, बट वैसे शी वॉज इन्जॉइंग. शी वॉज ऑल्सो डांसिंग अलॉन्ग, मतलब ऑब्वियसली नॉट ऑन द स्टेज, बट नीचे वो डांस कर रही थी. सो इट वॉज़ गुड. अच्छा इन्जॉय किया हमने. अब ऑलरेडी 6 o'clock हो गए हैं. सो यहाँ पे एक टेम्पल ऑफ ट्रूथ रेलिक है, बट हम लोग सोच रहे हैं कि वो हम कल जाएंगे, बिकॉज अभी इवनिंग हो रहा है, डार्क होने वाला है. सो वी डोंट वांट टू मिस दिस इवनिंग. दिस इज़ वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है. सो अभी हम लेक के पास वॉक करेंगे, सनसेट देखेंगे, एंड देन वील एंड आवर डे. स्काई जो है वो लाल होने लग गया है, अच्छा लग रहा है. और ये टाइम बस हम कैप्चर करना चाहते हैं. इट्स ब्यूटिफुल. हे रितिशा, शी इज़ ऑल्सो हैप्पी. शी इज़ वॉचिंग दीज बर्ड्स एंड डक्स एंड शी इज़ रियली हैप्पी. हम लोग टेम्पल ऑफ ट्रूथ रेलिक के सामने खड़े हैं. तो बस अभी हम लोग जाने वाले हैं. वो एंट्रेंस है टेम्पल ऑफ ट्रूथ रेलिक की. काफ़ी धूप है, बट अंदर दिखते हैं कैसा है. तो मैं आपको दिखाती हूँ अगर अंदर फोटोग्राफी अलाउड हो. सो ये टेम्पल का एंट्रेंस है. हम लोगों ने अभी सिक्योरिटी किया था. सो काफ़ी लाइन थी, फीमेल्स के लिए काफ़ी बड़ी लाइन थी. बट गुड पार्ट वॉज, क्योंकि मेरे साथ रितिशा थी तो उन्होंने मुझे एंट्री प्रायोरिटी भी दे दी. और यहाँ पे आपको डिसेंटली ड्रेसअप होना पड़ता है. यू कैन नॉट वेयर शॉर्ट्स, यू कैन नॉट वेयर वन पीसेस, स्कर्ट्स, वो सब अलाउड नहीं है. आप स्लीवलेस भी नहीं पहन सकते हैं. तो बाहर टेम्पल के आपको टॉवल्स वगैरह मिलते हैं. अगर आपको सपोज़ आपने कुछ ऐसा ड्रेसअप किया हुआ है, सो यू कैन बोरो, यू कैन टेक टॉवल ऑन रेंट. और आप बॉयज़ के लिए भी उन्होंने बिग टावल्स, लुंगी टाइप रखा हुआ है. सो दे कैन टेक दैट एंड अपने आप को कवर कर सकते हैं. सो दैट वे इज़ एवरीबडी इज़ डिसेंटली ड्रेस्ड. ये आप देख सकते हैं सामने टेम्पल है. टेम्पल का आउटर है. सो टेम्पल ऑफ टूथ रेलिक उसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध का रियल टूथ प्रिजर्व किया हुआ है. सो इसीलिए इस टेम्पल का नाम टेम्पल ऑफ टूथ रेलिक है. गो गो. राइट हैंड साइड जाने पे फॉरेनर्स के लिए उन्होंने टिकट काउंटर बना रखा है, जिसमें फॉरेनर्स अपना टिकट्स खरीद सकते हैं. लोकल्स के लिए फ्री है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका टेंपल है. सो फॉरेनर्स वहाँ पे अपना टिकट काउंटर खरीद के अपना शूज़ वगैरह रख के अंदर टेंपल में जा सकते हैं. Where?
सो हमने अपनी टिकट्स खरीद ली हैं जो हमें बिकॉज हम इंडियन हैं तो हमें 1000 rupees की टिकट पड़ी लंकन रुपीज़ सो वी कैन से अराउंड 400 Indian rupees. अब ये वन ऑफ द एंट्रेंस है टेम्पल की कम काफी बड़ा टेम्पल है ये सो हम पहले टेम्पल में जा रहे हैं टेम्पल ऑफ टूथ रेलिक देखा देन पले माले विहारम देखा सो पले माले विहारम के अंदर 460 ईयर्स ओल्ड एक बुद्धा का स्टैचू था और एक 230 ईयर्स ओल्ड भी स्टैचू था सो अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी जहाँ जहाँ पे अलाउड थी हमने आपको वो सब दिखाया काफ़ी साफ़ सुथरा टेम्पल था बहुत ही ज़्यादा मेनटेन्ड है एंड काफ़ी अच्छा भी है और यहाँ पर हमने एक बात नोटिस की कि जितने भी लोकल्स थे वो लोग वाइट ड्रेस में आए हुए थे मेजॉरिटी सो पता नहीं किस लिए आए हुए थे मे बी उनका कुछ कस्टम हो और सर कोइंसिडेंटली आज मैं भी वाइट हूँ वाइट में हूँ सो ठीक है मैं उनके साथ मैच कर रही थी बाकी इसके बाद हमने 4 म्यूज़ियम्स भी देखे यहाँ पे जैसे राजा तस्कर म्यूज़ियम था देन बुद्धिस्ट म्यूज़ियम था इंटरनेशनल बुद्धिस्ट म्यूज़ियम उसके अंदर इंडिया का पाकिस्तान का हर किसी का बुद्धिस्ट सिग्निफिकेंस क्या है वो सब बताया हुआ था फ्लैग था इंडिया का और बाकी कंट्रीज़ का देन द लादा म्यूज़ियम देखा हमने और एक रॉयल पैलेस था सो अंदर कहीं पे भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी बट काफ़ी बड़ा टेंपल है ये और ये म्यूज़ियम्स के साथ काफ़ी मज़ा आया सो अब हम लोग थक गए अब हम लोग लंच करेंगे और हम बस नोवारा के लिए निकले